टोमेटो वाले में भी चिली फ्लेक्स डाल दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है, आज कोई चैलेंज वीडियो नहीं होने वाला है, आज होने वाला है थोड़ा कंपैरिजन वाला वीडियो। मैं आज ऑर्डर करने वाली हूँ डोमिनोज का 3 तरह का पास्ता। मैं अभी आपको ऑर्डर करके दिखाऊंगी कि वो 3 पास्ता कौन सा है, और वो जब आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर रिव्यू दूंगी कि 3ों में से बेस्ट कौन सा है, और जो भी उसके बारे में बताऊंगी। चलते हैं ऑर्डर करते हैं। डोमिनोज का ऐप ओपन करते ही मेरे पास ऑप्शंस आ गए कुछ पे। मैं यहाँ पे कार्ट में रख चुकी हूँ अपना जो भी है मेरे पास, मेरा मेन्यू जो भी मैंने कार्ट में रखा है, 3 तरह का पास्ता है। कार्ट में है मेरे पास क्रीमी टोमेटो पास्ता, वेज टिक्का मसाला पास्ता, वेज और फिर मोरक्कन स्पाइस पास्ता, वेज। तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए 3ों में वेज पास्ता है, और मैं इन्हीं 3ों को ऑर्डर करने वाली हूँ। सेम है बस जितना भी है ना, टिक्का मसाला पास्ता है, पनीर टिक्का वाला है, तो ऐसे नॉन वेज में फिर उसका चिकन का था, ठीक है। तो मैंने इसके साथ में ये बर्गर पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, क्योंकि बिना मतलब बर्गर पिज्ज़ा के ऑर्डर किए ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा ले रहा था। लाइक डिस्काउंट मिला है बर्गर पिज्ज़ा मैंने ऐड किया है कार्ट में, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, और मैं अब जा रही हूँ इसको ऑर्डर करने। तो यार अभी वेदर इतने सही हो रही है और मेरा ऑर्डर हो चुका था यार फाइनली, और अभी आने वाला है मेरा ऑर्डर। ओ आवाज़ सुन सकते हो यार, इतना सही आवाज़ आ रहा है बादलों। हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो मेरे पास मेरा पास्ता आ चुका है और मैंने इसको अनपैक कर लिया, मतलब अनपैक बस इसके ऊपर ये था तो इसको मैंने बस हटा लिया 3ों का। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको अनपैक करते हैं, पता चलेगा तब कि इसके अंदर कौन कौन सा पास्ता है। तो यहाँ पे मेरा पास्ता आ चुका है एंड मेरे को इसके साथ बहुत सारे चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगिनो मिले हैं, एंड ये इधर उधर फैल गए, और मेरे पास यहाँ पे 3 फोर्क मिले हैं। तो अभी अनपैक करते हैं फिर तब पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा पास्ता है, मतलब किस में कौन सा पास्ता कौन कौन सा है वो तो मेरे को पता ही है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि 7 इस पर आया है एंड 7 मेरा बर्थडे था। मोरक्कन स्पाइस पास्ता लग रहा है इसका कलर देख के, तो मैंने को नाम, हाँ मोरक्कन स्पाइस पास्ता, अब नाम तो इसको देख के पता चलेगा, अच्छे से खुलेगा तब पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा वाला है। ये लग तो मोरक्कन वाला ही लग रहा है, लेकिन इसमें तो पनीर नहीं लिखा हुआ था, इसमें पनीर दिख रहा है। नहीं इसमें पनीर नहीं था, ये पनीर कैसे आ गया? रुको सबको अनपैक करने दो पहले। मेरे को टिक्का मसाला लग रहा है, टिक्का मसाला पास्ता, तो 3 वेज है। हाँ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है क्रीमी टोमेटो पास्ता, ठीक है। एंड इसको करते हैं खुल जाओ, सिम सिम। ओके मोरक्कन स्पाइस पास्ता ये है, ये वही है, लेकिन इसका कलर ऐसा नहीं है, कलर के लिए सेटिस्फाई नहीं हुए हम। देखो इसके अंदर पनीर है, पनीर मेरा फेवरेट है, तो लास्ट में ट्राई करेंगे। बट आया तो सबसे पहले 7 इसी पे आया था, इसको ट्राई करते हैं। बट क्या करें यार, इसको ट्राई करें सबसे पहले, चलो यही ट्राई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का मसाला, ठीक है, और ऊपर में बस इसके पनीर डाल दिया, अंदर में शायद नहीं है। एक बात बताओ, पनीर टिक्का का नाम पनीर टिक्का क्यों पर? जोक सपाट। इसमें ना व्हाइट सॉस पास्ता डाला है, कलर इस वजह से ये नहीं आया, कलर थोड़ा ऑरेंजीज कलर है एंड इसका कलर व्हाइटिश आ गया क्योंकि इसमें व्हाइट सॉस पास्ता डाला है, पनीर टिक्का डाला है इसमें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा ही आ रहा है, इसमें यही अच्छा लगा बस। क्रीमी टोमेटो पास्ता, ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं। नॉट बैड, ये बहुत अच्छा है, मेरे को टोमेटो का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट अच्छा आया एंड इसमें भी वाइट सॉस पास्ता, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, लेट मी ट्राई। गिर रहा है। नॉट बैड यार, बहुत सही टेस्ट है इसका, सच बता इसका प्राइस 129 है, टेस्ट इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बाद इसका लगा, इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है इससे पास्ता के कंपेरिजन में। बट इसके अंदर पनीर टिक्का डाला है, मतलब ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो मोरक्कन स्पाइस पास्ता ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका यार। इस मशरूम भी है, रुको, फ्रेश मशरूम इसमें यूज़ किए ये लोग, यार बहुत टेस्ट आ रहा है सही इसका। इन दोनों से बेटर मेरे को ये लग रहा है, तो इसका पैकेजिंग था ना ऊपर से पूरा गीला हो चुका था, सबसे ज़्यादा ख़राब तरीके से यही आया है, बट इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के देखते हैं, और ज़्यादा गिर गया। टोमेटो वाले में भी चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं हम। मैंने बर्गर पिज़्ज़ा भी मंगवाया था, बट इसको करने से पहले मैंने बर्गर फिनिश कर लिया, पता नहीं पहले ऐसे ही आप लोग क्लोज लुक ले लो उसका और मेरे साथ एंजॉय करो, बाद में इसको ओरिगिनो के साथ ट्राई करके खाएंगे।
एंड इसके बाद इसके पनीर टिक्का का टेस्ट अच्छा था, तो पनीर टिक्का टोमेटो पास्ता के साथ पनीर टिक्का अच्छा है यार, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। डोमिनोज चेंज कर दो यार, टोमेटो पास्ता के साथ पनीर टिक्का मिक्स कर दो, बहुत सही टेस्ट आएगा और सब लोग लाइक भी करेंगे ऑब्वियसली। वीडियो एंजॉय करो तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब भी प्रेस करना एकदम फ्री है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो। तो इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब पता नहीं बाद में खाते खाते और ज़्यादा सही हो गया टेस्ट, तो मेरा पेट फुल हो चुका है सब में से, इतना ज़्यादा क्वान्टिटी सही थे इसका। तो मैं इन दोनों का गारंटी नहीं ले रही बट मोरोक्कन स्पाइस वाले को फिनिश ज़रूर कर रही हूँ अभी। वीडियो को शेयर कर देना जो भी पिज्जा या पास्ता या डोमिनोज लवर उन लोगों को, लोग मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि कौन सा वाला आप लोग ट्राई कर चुके हो, और अगर आप तीनों ट्राई कर चुके हो तो कौन सा वाला आप लोगों को अच्छा लगा है। मैंने सोचा है कि रेड वेलवेट लावा केक और चोको लावा केक में भी रिव्यू करूँ नेक्स्ट कॉम्पेरिजन, तो आप लोग बताओ कि ऐसे आपको कौन कौन से चीज़ में, मतलब कौन से फूड में कॉम्पेरिजन चाहिए, कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है कौन सा नहीं, लाइक मोमोज में भी या कुछ भी आप लोग को लगे कि हाँ इन दोनों के बीच में या और भी ऑप्शंस रहे उन सब में कंपैरिजन करना है तो बताइएगा ज़रूर, उस लोग में भी कंपैरिजन कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।